अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू आर बीइंग डूइंग ग्रेट। यार तकरीबन 2 हफ्ते पहले मैंने अपना D10 वीज़ा अप्लाई किया था। मेरी रिसेंटली ग्रेजुएशन हुई है और फिर मैंने सोचा कि यार D10 जॉब सीकिंग वीज़ा जिसे कहते हैं उसके ऊपर मैं चेंज करूँगा, और फिर मैं 2 हफ्ते पहले गया और अभी मैं अपना ARC जो कार्ड है, रजिस्ट्रेशन कार्ड है, वो मैं लेने जा रहा हूँ इमिग्रेशन ऑफिस में। तो अभी आपको बताते हैं पूरी स्टोरी बिहाइंड द सीन के क्या चक्कर है और कैसे मैंने अप्लाई किया था, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मैंने अटैच किए थे। तो चलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इमिग्रेशन ऑफिस और वहाँ से पहले हम अपना रिसीव करेंगे और फिर मैं आपको पूरी डिटेल में इस बारे में बताऊंगा। ये वीडियो इक्वली इम्पॉर्टेंट है उन सब के लिए कि जो कोरिया में आना चाहते हैं स्टडी वीज़े के लिए, क्योंकि ये एक बेस प्रोसेस है। जिस बंदे ने कोरिया की PR वाली साइड पर वर्क वीज़े वाली साइड पर जाना है तो उसको D10 वीज़ा चाहिए होता है आफ्टर स्टडीज़ कि वो एक जॉब फाइंड कर ले। और चलते हैं अभी आप लोगों को इमिग्रेशन ऑफिस लेके जाते हैं। तो गाइज हम इमिग्रेशन ऑफिस में पहुंच चुके हैं, तो अभी अंदर जाएंगे, रिसीव करेंगे। तो गाइज एक्चुअली 12 से 1 बजे तक इनका रेस्ट टाइम होता है, तो अभी 5-10 मिनट हम यहाँ वेट करेंगे। ये है भाई का एलियन कार्ड और पहले यहाँ पे स्टेटस था D2 का और अभी यहाँ पे D10 का स्टेटस है, जो कि 6 महीने के लिए होता है और ये 2 साल तक चल जाता है। एवरी 6 मंथ इसको रिन्यू किया जाता है। तो चलते हैं हम अभी अपनी जर्नी पे और घर जाके आपको डिटेल में बात करते हैं। यार वीडियो शुरू होने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो मैं ऑलरेडी वीडियो में बोल चुका होता हूँ, लेकिन फिर भी नीचे कमेंट्स आ रहे होते हैं उन्हीं चीज़ों के बारे में। तो अभी से मैंने ये डिसाइड किया है कि मैंने ऐसे कमेंट्स को रिप्लाई नहीं करूँगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी वो डिस्कस कर चुका हूँ वीडियो में, तो वाई शुड आई रिप्लाई दोज कमेंट्स। तो इसलिए आप अच्छे से, अगर आपको आपके जो कमेंट्स वगैरह का रिप्लाई नहीं आता, या फिर अगर आपने मुझे जो मैसेज सेंड किया हुआ है इंस्टाग्राम पे, अगर आपको उसका मैसेज रिप्लाई नहीं आता, तो आप मेक श्योर करो कि आप वो उस वीडियो दोबारा अच्छे से देखो, पूरी वीडियो देखो, तो फिर आपको उसी में ही आपका जवाब मिल जाएगा। तो गाइस आपने मेरा D10 का ARC देख लिया, रजिस्ट्रेशन कार्ड देख लिया, तो सबसे पहले बात करते हैं कि D10 होता क्या है। D10 अगर आप लोगों को, अगर आप पाकिस्तान में बैठ के देख रहे हैं तो फिर तो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, लेकिन अगर आप कोरिया में हैं तो आपको थोड़ा सा आप इसको स्किप भी कर सकते हो। तो D10 जॉब सर्चिंग वीज़ा होता है, जैसे कनाडा या ऑस्ट्रेलिया वगैरह में आपको ग्रेजुएशन के बाद या पोस्ट स्टडी वर्क परमिट आप इसको कह सकते हैं, लेकिन ये वर्क परमिट नहीं है, ये जॉब सीकिंग वीज़ा है या जॉब सर्चिंग वीज़ा है, जिसे कोरिया में D10 वीज़ा कहते हैं। और ये 6 महीने के हिसाब से 2 साल तक चल जाता है, मतलब हर 6 महीने बाद आपको इसको रिन्यू कराना पड़ता है। और इस पे आप कोई भी जॉब वगैरह नहीं कर सकते हो, लीगली बाय लॉ कोई जॉब वगैरह आप नहीं कर सकते हो, और अगर आप जॉब करते पकड़े जाते हो तो आपको कानून के हिसाब से या इमिग्रेशन से आपको कुछ पेनल्टीज़ या फ़ाइन भी हो सकता है, और अगर आप कुछ सीवियर काइंड की जॉब कर रहे हो तो आपको डिपोर्ट भी कर सकते हैं वो। लेकिन मोस्ट केसेस वो फ़ाइन करके छोड़ देते हैं, लेकिन फ़ाइन करने से भी आपके पॉइंट्स काफ़ी लूज़ हो जाते हैं, तो इसलिए आप मेक श्योर करें कि आप कोई ऐसी एक्टिविटी वगैरह नहीं कर रहे हैं। अगर कर भी रहे हैं तो आप मेक श्योर करें कि वो सेफ है, आपको इमिग्रेशन आने का वहाँ पे रिस्क ना हो। और उसके बाद आप लोगों ने इस वीज़े पे आप इंटर्नशिप कर सकते हो किसी कंपनी के थ्रू, लेकिन एक बात याद रखें, कोरिया में जॉब तभी मिलती है जब आपके टॉपिक में अच्छे लेवल हों, मतलब 4 और 5 लेवल तक हों मिनिमम, या फिर KIIP प्रोग्राम है उसमें आपके 4 या 5 लेवल्स वगैरह हों। तो ये है टॉप D10 वीज़े का सिस्टम।
अभी मैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे लेके जाता हूँ आपको, और मैं डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बताता हूँ कि आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। सबसे पहले आप लोगों ने पॉइंट्स कैलकुलेट करने हैं। डी 10 वीज़े का ये सिस्टम है कि आपको 60 पॉइंट चाहिए होते हैं डी 10 वीज़े के लिए। अगर आप 60 से नीचे फॉल करते हैं तो आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक काइंड ऑफ थिंग है ये। तो सबसे पहले पॉइंट्स नोट करने के लिए आपने पॉइंट्स चेक करने हैं कि आपके पॉइंट्स पूरे हैं या नहीं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल देता हूँ ये वाला, तो आप वहाँ से भी ओपन कर लेते हैं। मैं यहाँ से ओपन करता हूँ इस लिंक को, और यहाँ पे मैं जाके ये पॉइंट चेक करता हूँ। सबसे पहले एज के पॉइंट्स होते हैं, 60 पॉइंट आप लोगों ने पूरे करने हैं। तो देख लें कि एज आपकी कौन से में है। तो जो मैक्सिमम लोग होते हैं उनकी एज 25 से 29 होती है, या फिर 20 से 24 होती है। लेकिन किसी ने अगर PhD वगैरह की हो तो समटाइम्स 30 से 34 भी हो सकती है। तो हम देखते हैं 25 से 29 तक की एज में। उसके बाद है डिग्री आपने कौन सी की है, एसोसिएट डिग्री इन कोरिया, बैचलर्स डिग्री इन कोरिया, मास्टर या फिर PhD। अगर जो बहुत से स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे वो या मास्टर्स के होते हैं या फिर बैचलर्स के होते हैं, तो मैं मिनिमम मैं 15 पे रखता हूँ। और ये दोनों हो गए मेरे 30 पॉइंट्स, मतलब 15 पॉइंट्स इसके, 15 पॉइंट इसके। उसके बाद ऑप्शनल पे जाएं तो यहाँ पे वर्क करियर, अगर आपने साउथ कोरिया में ओनली इंक्लूडिंग वर्क करियर इन द फील्ड रिलेटेड टू योर मेजर, अगर आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस है आपने मेजर के रिलेटेड, तो इन मोस्ट केसेस वो कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं होता। स्टूडेंट वगैरह हैं वो यहाँ पे ऑड्स किस्म की जॉब कर रहे होते हैं, दिहाड़ी वगैरह लगा रहे होते हैं, या फिर रेस्टोरेंट्स वगैरह में या कुछ भी ऐसा काम कर रहे होते हैं, तो इसलिए ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता। तो मैं यहाँ पे एन नहीं लिखूँगा, मतलब कोई एक्सपीरियंस नहीं है। उसके बाद स्टडी इन कोरिया, तो यहाँ पे है, अगर आपने ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है अंडर 3 ईयर फ्रॉम ग्रेजुएशन, ओवर 3 ईयर फ्रॉम ग्रेजुएशन, मतलब ग्रेजुएशन के करने के कंप्लीट होने के बाद अगर आप 3 साल के अंदर अंदर अगर आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 30 पॉइंट मिलेंगे। लेकिन अगर आप तीसरे साल आपकी ग्रेजुएशन को हुए, 3 साल हो चुके हैं, अभी चौथा साल शुरू हो चुका है, तो फिर 5 पॉइंट्स आपको मिलेंगे, या फिर 10 पॉइंट्स बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री या PhD के हिसाब से आपको 20 पॉइंट्स भी मिल सकते हैं अगर आप PhD कर रहे हैं। लेकिन जो मोस्ट केसेस होते हैं वो स्टूडेंट्स आफ्टर ग्रेजुएशन राइट अवे अप्लाई कर देते हैं D10 के लिए, तो इसलिए 30 पॉइंट्स आप यहाँ पे बैचलर डिग्री के लिखें, और अगर आप मास्टर्स हैं तो फिर भी 30 हैं, मतलब यहाँ पे सब भी 30 पॉइंट्स हैं, लेकिन 3 साल के बाद में काफ़ी वेरिएशन हैं, तो इसलिए हम 30 पे ही चलते हैं। तो अकॉर्डिंगली हम देखें तो हमारे ऑलरेडी 60 पॉइंट हो चुके हैं, 15 इसके, 15 एज के, 15 डिग्री के, और 15 ही अंडर 3 ईयर्स फ्रॉम ग्रेजुएशन के आ चुके हैं। नीचे हम देख लेते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम इन कोरिया, अगर आप कोरिया में D41 वीज़े पे रहे हैं 12 से 18 मंथ के लिए, या और 18 मंथ के लिए, तो उसके भी आपको 3 पॉइंट्स मिलते हैं। लेकिन मोस्टली केसेस में स्टूडेंट के पास ये नहीं होता, तो इसको भी एन ए करें। KIIP या टॉपिक जो कोरिया, KIIP वो है जो कोरिया में बकायदा ऐसी क्लासेस होती हैं, 3 या 4 मंथ का बैच होता है, और कोरियन गवर्नमेंट है, इमिग्रेशन वगैरह ये खुद आपको कोरियन लैंग्वेज और सोसाइटी वगैरह के बारे में सिखाती है। तो इसके भी लेवल होते हैं, तो अगर आपके पास लेवल हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 2 लेवल हैं या 3 लेवल हैं, तो उसके हिसाब से पॉइंट्स हैं। तो स्टूडेंट्स जो होते हैं वो अगर वो मेच्योर हो तो वो इतना कम अज़ कम कुछ कर लेता है कि उसके पास 3 लेवल होते हैं। तो मैं 10 पॉइंट्स उसको यहाँ पर रखता हूँ। तो यहाँ पे देख लें हमारे पास 70 पॉइंट्स हो चुके हैं अभी तक, जो हम इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। उसके बाद एडिशनल पॉइंट्स हैं, अगर आपके पास, अगर आपकी यूनिवर्सिटी टॉप 200 फ्रॉम कोई QS रैंकिंग है, तो फिर 20 पॉइंट्स इसके हैं। बैचलर डिग्री ऑफ साइंस BS डिग्री, तो 5 पॉइंट्स इसके हैं। उसके बाद करियर इन ग्लोबल कंपनी ऑफ टॉप 500, तो इसमें अगर आप इसको भी छोड़ दें तो कुछ भी ना करें तो फिर भी आपके 70 पॉइंट्स हैं। पॉइंट डिडक्शन वायोलेशन इमिग्रेशन लॉ, अगर आपने इमिग्रेशन लॉ में कोई 2 नंबरी की है, मतलब अगर आप कोई ऐसा काम करते हुए पकड़े गए हैं, तो फिर इमिग्रेशन लॉ में, मतलब दिहाड़ी लगाते हुए पकड़े गए हैं, तो इमिग्रेशन लॉ में आपने वायोलेशन की है, तो इसमें आपके एक टाइम अगर पकड़े गए हैं तो 10 पॉइंट्स माइनस हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स नॉर्मली कोई नहीं पकड़े जाते तो एन नहीं करेंगे। उसके बाद वायोलेशन इन डोमेस्टिक लॉ, तो इसका भी यही सीन है, पॉइंट्स डिडक्शन भी होते हैं, इसलिए बहुत केयरफुल आप लोगों ने रहना है कि आप लोगों ने बिल्कुल भी कोई ऐसी 2 नंबरी नहीं करनी कि आप पकड़े जाओ, या फिर क्योंकि अगर आप पकड़े जाओगे तो बहुत ही मसले मसाइल आपके लिए पेश हो सकते हैं, क्योंकि आपके पॉइंट्स जो लेना है बहुत मुश्किल होता है। लेकिन पॉइंट्स देखें, अगर आप एक बार ही पकड़े जाए तो दस्ती आपके 5 पॉइंट्स गए। उसके बाद है 60 पॉइंट्स इन टोटल रिक्वायर्ड, और हमारे कितने हो चुके हैं 70 पॉइंट्स। तो इसलिए कहने का ये मकसद है कि आप लोग ईजिली D10 वीज़े के लिए क्वालिफाई आ सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने वर्ड में। तो दूसरे नंबर पे है हमारे पास एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म आप इस लिंक पे क्लिक करोगे
तो इस लिंक से भी आपको मिल सकता है एप्लीकेशन फॉर्म और जॉब सर्च प्लान। आपको ये दो फॉर्म्स चाहिए। ये आपको इमिग्रेशन ऑफिस में मिल जाएगा, मतलब अगर आप सोल में रहते हैं किसी भी इमिग्रेशन ऑफिस में जाए, या फिर कहीं पे भी अपने इलाके में इमिग्रेशन ऑफिस में जाएंगे तो ये फॉर्म्स आपको वहाँ पे भी मिल जाएंगे। लेकिन आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोडिंग के लिए मैंने ये लिंक दिया हुआ है यहाँ पे, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों को आपने ये फॉर्म डाउनलोड करना है, एप्लीकेशन फॉर्म, रिपोर्ट फॉर्म। यहाँ से वर्ड में भी, पीडीएफ में भी डाउनलोड कर सकते हैं, और नीचे से प्लान फॉर सीकिंग एम्प्लॉयमेंट, आपने ये दो फॉर्म डाउनलोड करने हैं। तो डाउनलोड करने के बाद आपने इनको फिल आउट करना है। एप्लीकेशन फॉर्म है ये, या मैंने यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे आपने फिल आउट करना है। कैसे करना है इसमें, यहाँ पे लिखना है चेंज ऑफ स्टेटस ऑफ सोजोरन, मतलब आपने अपना स्टेटस चेंज करना है D10, D2 से D10 पे लेके जाना है। तो आप इसको कर सकते हैं, इसको क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना डिटेल वगैरह डालेंगे, नेशनलिटी, फॉरेन रजिस्ट्रेशन नंबर, पासपोर्ट, पासपोर्ट इशू, एड्रेस इन कोरिया, कंट्री जो जिस एड्रेस पे आप रह रहे हैं वो एड्रेस होना चाहिए। उसके बाद होम कंट्री का, अगर आप होम कंट्री भी डाल दें, वर्क प्लेस अगर आपकी कहीं पर भी नहीं है तो छोड़ दें, स्कूल स्टेटस भी छोड़ दें, उसके बाद जो भी है एनुअल इनकम अमाउंट भी छोड़ दें। ये सब चीज़ें इररेलीवेंट है, तो ये सब चीज़ें आप छोड़ दें, सिर्फ एप्लीकेशन डेट डालें, सिग्नेचर करें यहाँ पे भी, साइन वगैरह करके ये आपका फॉर्म कंप्लीट हो गया। दूसरा फॉर्म है हमारे पास जॉब सर्च प्लान। जॉब सर्च प्लान मैंने ऑलरेडी ये टाइप किया हुआ था अपने टाइम पे, तो आप लोग इसको भी कॉपी कर सकते हो, क्योंकि ये बस रिक्वायरमेंट होती है, इतना चेक नहीं करते वो। तो इस वजह से यहाँ पे अपना नाम वगैरह लिखो। उसके बाद ये मैंने जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है कोरिया का वो यहाँ पे लिखो, मैंने ब्लर किया हुआ है तो आप देख सकते हो। उसके बाद अपना यूनिवर्सिटी, उसके बाद मेजर, और उसके बाद ऑक्यूपेशन की कैटेगरी में चेक कर सकते हैं कि आपकी जो ऑक्यूपेशन है, आपकी डिग्री के रिलेटेड कौन कौन सी जॉब्स हैं वो आप कर सकते हो, तो आपने वहाँ पे ये लिखना है। उसके बाद है प्लान फॉर एम्प्लॉयमेंट सीकिंग एक्टिविटीज़, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो फर्स्ट मंथ में आप लिख सकते हो प्रिपेयरिंग माई रेज्यूमी एंड प्रिपेयरिंग फॉर टॉपिक एग्जाम, उसके बाद सर्चिंग फॉर जॉब्स एंड प्रिपेयरिंग फॉर टॉपिक एग्जाम, सर्चिंग ट्रैकिंग टॉपिक एग्जाम एंड अप्लाइंग फॉर द जॉब, सर्चिंग फॉर जॉब्स, पिंग इंटरव्यू फॉर जॉब्स एंड स्टार्टिंग जॉब। तो इस तरह का आप कुछ भी लिख सकते हो, अगर आपके पास कोई और आइडिया है तो वो भी लिख सकते हो, लेकिन इट डजेंट मैटर। इसके बाद फाइनेंशियल प्लान फॉर लिविंग कॉस्ट, अगर आपके पास कैश है तो वो यहाँ पे टिक लगा दो, डिपॉजिट है कुछ, क्रेडिट कार्ड है तो आप यहाँ पे भी टिक लगा सकते हो। अगर आपको रेमिटेंस में मतलब उन 6 महीने की ड्यूरेशन में आपने खर्चा कैसे करने हैं, बेसिकली वो ये चीज़ पूछ रहा है। तो ये दो फॉर्म है। उसके बाद प्रीवियस डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट, जो अभी आपने बैचलर्स की है तो आपको बैचलर्स की डिग्री भी चाहिए और ट्रांसक्रिप्ट भी चाहिए, फोटो कापियाँ ले जाएं साथ इनकी। और उसके बाद है हाउस कॉन्ट्रैक्ट। हाउस कॉन्ट्रैक्ट में जहाँ पे आप रह रहे हो, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जोनम योसु में होता हूँ, योसुशी में, तो आपने योसुशी का अगर आप अगर आपके पास योसुशी की हाउस कॉन्ट्रैक्ट है तो आप योसु इमिग्रेशन ऑफिस में ही जाएंगे। ये नहीं कि अगर आपका योसु के अगर आपका योसु में रेजिडेंट है, रेजिडेंसी है, और आप सोल में चले जाएंगे या बुसान में चले जाएं, तो ऐसा नहीं होगा। मतलब जहाँ पे आपकी रेजिडेंसी है वहाँ पे आप जाके उस इमिग्रेशन में जाके आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप बुसान में अप्लाई करना चाहते हो तो मेक श्योर करो कि आपकी जो रेजिडेंसी है वो बुसान में होगी। उसके बाद है 1,40,000 कोरियन वन, शिपसा मान वन कोरियन फीस है इसकी, और इसमें जो 10 मान वान है, मतलब 1,00,000 कोरियन वान है, वो चेंज ऑफ स्टेटस का है, और बाकी जो 4 मान वान है, मतलब 40,000 कोरियन वान, वो आपको नया रजिस्ट्रेशन कार्ड इशू किया जाएगा। तो वो है, ये है आज की वीडियो। आई होप कि आपको ये पसंद आएगी। तो इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो गुड लक।